नमस्कार छात्रों, राधा कृष्ण के ऑनलाइन पोर्टल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ तौफीक खान। देखिए, पिछली वीडियो में हमने नया पाठ शुरू किया था। पाठ का क्या नाम था? अब पाठ के नाम में हमने पहला बिंदु पढ़ा था। बिंदु क्या था? बल। बल के बारे में क्या पढ़ा था? देखिए, हमने ये बल के बारे में पढ़ा था कि बल एक ऐसा साधन है जो स्थिर वस्तु को तो गतिमान कर सकता है और गतिमान वस्तु को स्थिर कर सकता है, कुछ ऐसा पढ़ा था। अब इस चीज के लिए हमने देखा था कि अगर हम क्या काम करें, किसी क्रिकेट बॉल को शॉट मारें तो गतिशील हो जाती, किसी स्थिर रखी फुटबॉल पर हम लात मारें, किक मारें तो गतिशील हो जाती। इसी प्रकार हमने लुढ़कती हुई या गतिशील वस्तु को अगर हम किसी रोकना चाहें, उस पर बाहरी बल लगाएं तो वो स्थिर हो जाती है। तो इन दोनों कार्यों में देखा गया था कि बल के बिना गति संभव नहीं है और न ही कार्य संभव है। तो बल क्या था? बल एक ऐसा साधन था जो स्थिर वस्तु को तो गतिमान कर सकता है और गतिमान वस्तु को स्थिर कर सकता है। अब बलों की उपेक्षा करने के साथ साथ हमको ये मालूम हो गया कि बल के बिना कोई कार्य संभव नहीं है, बल के बिना गति भी संभव नहीं है। तो जो हमने कल बिंदु पढ़ा था बल, बल के बारे में अब आप लोगों को यह स्पष्ट पता चल गया कि बल के बिना ना तो गति संभव है ना कार्य संभव है। इस बात को आपने दोहरा लिया कि बल एक ऐसा साधन था जो स्थिर वस्तु को तो गतिमान कर रहा था और गतिमान वस्तु को स्थिर कर रहा था। अब ये बल कैसे कार्य करते हैं? क्या ये बल संतुलित होते हैं? क्या ये बल असंतुलित बल होते हैं? क्या संतुलित बल की उपस्थिति में कोई वस्तु गति कर सकती है या नहीं कर सकती? क्या असंतुलित बलों की उपस्थिति में वस्तु गति करती है या नहीं करती? क्या घर्षण बल क्या होता है? इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अगला बिंदु है संतुलित और असंतुलित बल। संतुलित और असंतुलित बल, पहले संतुलित बल के बारे में पढ़ते हैं। ये संतुलित बल क्या होता है? देखिए, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, संतुलित दोनों दिशाओं में दोनों तरफ से समान बल। अब ऐसा बल कौन सा बल है संतुलित बल है? इसके लिए हम एक उदाहरण से इसको समझेंगे। संतुलित बल क्या है? देखिए क्या हुआ, इस तरह से ये कोई आयत के आकार की कोई वस्तु या पुस्तक रखी हुई है और मैंने इस पुस्तक को किसी टेबल या मेज पर रखा हुआ है। मैंने इस पुस्तक को किस पे रखा हुआ है? किसी टेबल या मेज पे इसको रखा हुआ है। देखते हैं इसको। सीलिंग कोई मैज है, इस पर मैंने किसी वस्तु को रखा हुआ है, किसी पुस्तक को। इस पर मैं एक बल एच और इधर एक बल वाई, मैंने इसको यानी एक उसके एक सिरे को किसे एक्स धागे से, धागा कह सकते हो, रस्सी कह सकते हो, और ये वाई धागा है, इसको मैंने बांध रखा। ठीक है, किसी टेबल पे ये कोई पुस्तक रखी हुई है, किताब रखी हुई है, मैंने कि इसका एक सिरा एक्स धागे से और दूसरा सिरा वाई धागे से बांधा। मैं क्या काम करूं? मैं अब बाई तरफ मैंने क्या काम किया, बाई धागे से बांध करके, बाई धागे से बांध करके मैं इस पुस्तक को क्या काम करता हूं, इधर की तरफ बल लगाता हूं, एक्स अक्ष की तरफ धागे को खींचता हूं। तो तुम देखोगे कि ये पुस्तक इधर की तरफ बाई तरफ सरकने लगती है। इसके विपरीत मैं क्या काम करूं, वाई धागे से खींच करके इसको मैं दाई तरफ खींचू तो तुम देखोगे कि ये वस्तु जो है दाई तरफ खिसकने लगती है। भाई मैं एक्स की तरफ खींचता हूं तो इधर की तरफ खिसकने लगती है, सरकने लगती है पुस्तक। अगर मैं दाई तरफ वाई धागे को खींचता हूं तो दाई तरफ ये पुस्तक खिसकने लगती है, खिसकने लगती है। फिर मैं क्या काम करूं,
अब तुम देख रहे हो कि जब एक तरफ के धागे को खींचते हैं, इधर की तरफ को खींचते हैं तो इधर खिसकने लगती है पुस्तक, इधर की तरफ खींचते हैं तो पुस्तक इधर की तरफ सरकने लगती है। मैं क्या काम करूं, दोनों धागों को एक साथ खींचू, एक तरफ मैंने एक बच्चा बैठा दिया, दूसरी तरफ दोनों बच्चे मैंने बैठा दिए, दोनों जो है, जब मैं दोनों धागों को एक साथ खींचता हूँ तो तुम देखोगे कि ये पुस्तक कहीं भी नहीं खिसक सकती, क्योंकि तो तुम देखोगे अगर मैं एक्स और वाई दोनों धागों को एक साथ खींचता हूं तो तुम देखोगे कि ये पुस्तक कहीं भी नहीं खिसकती है। क्यों, इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि पुस्तक दोनों बलों के कारण संतुलित है। इस पर लगने वाले बल दोनों कैसे हैं, संतुलित बल हैं, दोनों तरफ से समान खिंचाव है, ऐसा बल संतुलित बल कहलाता है। अब आप समझ गए ना संतुलित बल क्या है। अब इसको कैसे परिभाषित करें, ऐसा बल जो किसी वस्तु पर समान मात्रा में लगता हो, जिसके कारण पुस्तक में कोई गति नहीं होती, जिसके कारण किसी वस्तु में कोई गति नहीं होती, संतुलित बल कहलाता। अब आपने देखा ना, मैंने एक टेबल एबीसीडी टेबल पर एक पुस्तक रखी है, इस पुस्तक को मैंने बाई तरफ एक्स धागे से और दाई तरफ वाई धागे से बांध रखा है। जब मैं पहली अवस्था में क्या काम करूं, एक्स धागे को खींचता हूं तो पुस्तक इधर की तरफ सरकने लगती है, इसके विपरीत मैं वाई धागे को इधर दाई तरफ खींचने लगता हूं तो पुस्तक दाई तरफ सरकने लगती है। मैंने जब दोनों धागों को एक साथ खींचा है तो तुम देख रहे हो कि पुस्तक में कोई गति नहीं थी, पुस्तक अपनी जगह रखी हुई है। इसका क्या कारण था, इसका कारण यह था कि दोनों तरफ से पुस्तक संतुलित है, दोनों तरफ से लगने वाले बल कैसे हैं, समान मात्रा में है, समान मात्रा में है। और ऐसा बल जो दोनों तरफ से किसी वस्तु पर समान मात्रा में लगता हो संतुलित बल कहलाता है। और ये बात भी आपने देखी है कि संतुलित बल की अवस्था में वस्तु स्थिर अवस्था में रहती है, कोई गति नहीं करती, उससे स्पष्ट हो गया कि संतुलित बल के द्वारा वस्तु पर कोई वस्तु कोई गति नहीं करती। समझ में बात, अब ये समझ में आया ना संतुलित बल क्या है, ऐसा बल जो प्रत्येक वस्तु पर समान मात्रा में लगता है संतुलित बल कहलाता है, संतुलित बल की उपस्थिति में कोई वस्तु गति इस अवस्था में रहती, विराम अवस्था में रहती, स्थिर अवस्था। ठीक है, अब बात करते हैं असंतुलित बल की। मैंने क्या काम किया है, असंतुलित बल अब असंतुलित बल को हम लोग समझते हैं, मैंने आयत के आकार का एक बक्सा है, इसको किसी इस तरह से खुरदरे पृष्ठ पर, खुरदरे पृष्ठ पर, खुरदरी सतह पर इसको मैंने रखा, ये खुरदरा पृष्ठ है, खुरदरा पृष्ठ लिख सकते हो, सतह आप लिख सकते हो, खुरदरी सतह पर मैंने, ठीक है। मैं इसमें क्या काम करूं, ये इसका बाएं भाग है, ये इसका दायां भाग है, ठीक है। मैं क्या काम करूं कि इस बॉक्स पर जो मैंने खुरदरी पृष्ठ पर रखा हुआ है, खुरदरी सतह पर रखा हुआ है, इस पर मैं दाएं तरफ धक्का देता हूं, धक्का मारता हूं, तो तुम देखोगे कि ये जो बॉक्स है, ये जो बॉक्स है ये नहीं खिसक सकता है। मैं तो यार एक तरफ धक्का दे रहा हूं फिर भी नहीं खिसक रहा, और उसमें देखा था हमने कि पुस्तक जब एक तरफ हम बल लगाते तो पुस्तक उधर की तरफ खिसकने लगती, दाएं तरफ लगाया तो दाएं तरफ खिसकने लग गई, बाएं तरफ लगाया तो बाएं तरफ खिसकने लग गई। मैं तो इसमें एक ही तरफ बल लगा रहा हूं, एक ही तरफ दाएं तरफ इसको धक्का दे रहा हूं, ये बॉक्स नहीं खिसक रहा, क्यों, क्योंकि पृष्ठ कैसा है, खुरदरा पृष्ठ, बॉक्स का नीचे का भाग और खुरदरे पृष्ठ ये दोनों आपस में एक दूसरे को संतुलित करते हैं, संतुलित। तो इन दोनों के मध्य जो इस बॉक्स का नीचे का हिस्सा है और जो खुरदरा पृष्ठ है, उबर खाबड़ पृष्ठ है, खुरदरा पृष्ठ है,
जब इसको मैं धक्का लगाता हूं तो तुम देखते हो, हल्का धक्का लगा रहा हूं मैं, इतनी पावर से नहीं, हल्का मैं इसको धक्का लगा रहा हूं, तो तुम देख सकते हो कि बॉक्स का जो नीचे का हिस्सा है, ये नीचे का जो आंतरिक इसकी सतह है, पृष्ठ है, ये खुरदरे पृष्ठ से जिसको हम घर्षण बल कहते हैं उस घर्षण बल को संतुलित कर देता है। संतुलन की अवस्था में वस्तु खिसकती है क्या? मैं फिर क्या काम करूं, इसको दाईं तरफ पूरी ताकत से धक्का लगाता हूं, तो तुम देखते हो कि बॉक्स हल्का सा खिसकता है। नहीं, अब भी हल्का क्यों खिसक रहा है? खिसक तो गया लेकिन हल्का क्यों खिसक रहा है? क्योंकि पृष्ठ कैसा है? खुरदरा पृष्ठ है। खुरदरा पृष्ठ और बॉक्स का नीचे का हिस्सा, ये दोनों आपस में संतुलन अवस्था बनाए रखना चाहते हैं। अब मैंने जब ज्यादा ताकत से इस बॉक्स को धकेला है, तो उस अवस्था में क्या हुआ है? उस अवस्था में जो असंतुलित बल है, एक असंतुलित बल एक दिशा में लगने वाला बल है, असंतुलित जो बल है वो अधिक ज्यादा हो जाता है, किससे? खुरदरे पृष्ठ और उसके बॉक्स के संतुलित बल से उसका मान अधिक हो जाता है, इस कारण से पृष्ठ थोड़ा सा खिसक। इसके विपरीत यही कंडीशन मैंने बाईं तरफ करके देखी, हल्के बल पर ये बिल्कुल नहीं खिसकता है, लेकिन मैं जब जब पूरी पावर से बाईं तरफ अब इसमें धक्का मारता हूं तो थोड़ा सा खिसकता है। ये कितना खिसकता है? थोड़ा सा खिसकता है। हमने इसको जब बाईं तरफ हल्का धक्का मारा तो ये नहीं खिसका, क्यों? कारण क्या था? खुरदरा पृष्ठ और बॉक्स का नीचे का हिस्सा दोनों के साथ, दोनों घर्षण बल, खुरदरा पृष्ठ जो क्या है? घर्षण बल है। हमने देखा कि प्रत्येक क्रिया के फलस्वरूप एक प्रतिक्रिया बल लगता है, इस प्रतिक्रिया बल को तो घर्षण बल कहते हैं। यानी ये जो खुरदरा पृष्ठ है बॉक्स को आगे जाने का विरोध करता है, क्योंकि खुरदरी सतह उनमें अटकता है, आगे जाने का विरोध करता है। फिर मैंने इस बॉक्स को बाईं तरफ पूरी ताकत से देखा, तो जब मैं इसको पूरी ताकत से धक्का मारता हूं तो जो असंतुलित बल है, एक दिशा में लगने वाला जो बल है, वो इस खुरदरे पृष्ठ के मध्य और इस बॉक्स के आंतरिक सतह के मध्य जो संतुलित बल था उससे अधिक हो गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो असंतुलित बल होता है, जो एक दिशा में लगाए जाने वाला बल है, वो उसके द्वारा वस्तु गतिशील हो जाती है। हाँ, अगर ये जो खुरदरा पृष्ठ है, इस खुरदरे पृष्ठ की जगह मैं क्या काम करता, एक चिकना पृष्ठ लेता, चिकनी सतह लेता, तो तुम देखते ये चिकनी पृष्ठ, चिकनी पृष्ठ पर अगर मैं बाईं तरफ धक्का लगाता तो बाईं तरफ गतिशील हो जाता, दाईं तरफ लगाता तो दाईं तरफ गतिशील हो जाता। क्यों? क्योंकि पृष्ठ अब कैसा है? खुरदरा है, क्योंकि घर्षण बल का मान अब कितना हो गया? नगण्य हो जाता है। घर्षण बल का मान नगण्य होने पर वस्तु आसानी से गतिशील हो जाती है। अब क्योंकि बॉक्स का आंतरिक सतह और समतल पृष्ठ, इन दोनों पर, इन दोनों के मध्य जो लगने वाला बल है वो संतुलित बल है, उसका मान अब कम हो जाएगा। इसके अपेक्षा एक दिशा में लगने वाले बल जिसको हम असंतुलित बल कहते हैं, उस बल से इसका मान कम हो जाएगा। बल का मान जब संतुलित बल का मान असंतुलित से कम हो जाएगा, फिर वस्तु गतिशील हो जाएगी। इससे स्पष्ट हो गया कि एक दिशा में लगने वाला बल असंतुलित बल होता है, असंतुलित बल की उपस्थिति में वस्तुएं गतिशील होती। तो अब ये दोनों उदाहरणों से आप समझ गए ना, संतुलित बल क्या है, असंतुलित बल क्या है। हम पढ़ रहे हैं संतुलित बल और असंतुलित बल। संतुलित बल के लिए हमने देखा था कि ऐसा बल जो क्या काम करता है, जो दोनों दिशाओं में समान मात्रा में लगने वाले बल को संतुलित बल कहते हैं, क्योंकि संतुलित अवस्था में दोनों दिशाओं में लगने वाले बल को संतुलित बल कहा जाता है। संतुलित बल की उपस्थिति में कभी कोई वस्तु गतिशील नहीं होती। संतुलित बल में क्योंकि दोनों तरफ से इस पर इतना ही बल लगता है, कारण से वस्तु साम्य अवस्था में या विराम अवस्था में बनी रहती है। परंतु आपने देखा है कि हमने अभी उदाहरण से समझा था कि असंतुलित बल जो एक दिशा में लगने वाला बल था, वो क्या काम करता है, वो जब संतुलन संतुलित बल से उसका मान अधिक हो जाता है, यानी असंतुलित बल का मान अधिक हो जाता है, तो वस्तुएं खिसकने लगती हैं, गति करने लगती हैं। इससे स्पष्ट है कि ऐसा बल जो एक दिशा में लगाए जाने वाला बल है, उसे असंतुलित बल कहते हैं। असंतुलित बल की उपस्थिति में वस्तुएं गतिशील होती हैं, गति करती हैं। हमने टेबल पर पुस्तक रखी थी, जब उसको एक्स अक्ष की तरफ खींचा था तो एक्स अक्ष की तरफ खिंच गया था, वाई अक्ष की तरफ धागे को खींचा था, वाई तरफ की वाई अक्ष की तरफ ये पुस्तक धकेलने लगती, खिसकने लगती। लेकिन जब एक्स और वाई इन दोनों को समान मात्रा में दोनों को एक साथ खींचते हैं, तो हम देखते हैं पुस्तक अपनी जगह विराम अवस्था में बनी रहती है, कोई गति नहीं करती। ऐसा बल कैसा बल कहलाता है? संतुलित बल कहलाता है। इसके विपरीत हमने देखा है, किसी खुरदरे पर इस पर मैंने एक बॉक्स को रखा है, बॉक्स को जब मैं बाईं तरफ दाईं तरफ धक्का हल्का धक्का मारता हूं तो नहीं खींच सकता, क्योंकि खुरदरा पृष्ठ के मध्य जो उपस्थित बल है जिसको हम घर्षण बल कहते हैं और बॉक्स का आंतरिक हिस्सा है, दोनों आपस में संतुलन बना लेते हैं। संतुलन बल की उपस्थिति में उसमें गतिशील नहीं होती, परंतु जब उसको और तेजी से धक्का मारते हैं तो हम देखते हैं कि संतुलित बल जो कौन कौन के कारण उत्पन्न हुआ था, खुरदरे पृष्ठ और बॉक्स के आंतरिक सतह के कारण जो संतुलित बल था,
उससे उसका मान खिसका, ज्यादा धक्का देने से संतुलित बल का मान अधिक हो जाता है, जिससे वस्तु खिसकने लगने से स्पष्ट होता है कि वह बल जो एक दिशा में लगाया जाता है जिसके कारण वस्तु गतिशील होती है, असंतुलित बल कहा। तो दोनों बिंदु क्लियर है ना, संतुलित बल और असंतुलित बल क्या? ठीक है, मैं एक बार टाइम देख लेता हूँ 15। तो अब ये बात आपको समझ में आ गई, बल क्या था? बल एक ऐसा साधन था जो स्थिर वस्तु को गतिमान कर रहा था, गतिमान वस्तु को स्थिर कर रहा था। फिर हमने बल के बारे में पढ़ा, बल दो प्रकार का होता है, संतुलित बल और असंतुलित बल। संतुलित बल वह बल होता है जो वस्तु पर समान मात्रा में लगाया जाता है, संतुलित बल कहलाता है। संतुलित बल की उपस्थिति में वस्तु कभी गति नहीं करती। और असंतुलित बल होता है ऐसा बल जो एक दिशा में लगाया जाने वाला बल होता है, असंतुलित बल कहलाता है। असंतुलित बल की वस्तु उपस्थिति में वस्तुएं गतिशील होती हैं। तो आप समझ गए इन दोनों उदाहरण से संतुलित बल क्या होते हैं, असंतुलित बल। ओके, बाय।